वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो आज जो हम लोग का पद्म चैन का सेकंड डे है और ऐसे जो है डे थ्री है ऐसे हम लोग का आए हुए तीन दिन हो गया है और अभी हम लोग जो है निकलने वाले हैं जुलूक के लिए। बट उससे पहले हम लोग को जो है नाश्ता करना है और वो नाश्ता जो है हम लोग का हो चुका ऑलरेडी। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो है नाश्ता करते टाइम मॉर्निंग ही उठ चुके थे 5 o'clock और उसके बाद से जो हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का जो भी हम लोग व्यूज देख पाए वो देखे एंजॉय किए। उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर के पूरा ऑन टाइम से भी पहले हम लोग रेडी हैं और नाश्ता में हम लोग को मिला था पूरी और घुगनी। हाँ, छोला का सब्जी नहीं मटर का सब्जी। हाँ, मटर का सब्जी, छोला का सब्जी कहाँ रहता है? ठीक है, हो गया था खाते वक्त हो गया था क्योंकि पुचकी में लेके खा रही थी। और ये देखो ये जो है पुचकी है पुचकी मूड ऑफ। और ये है सुबह का नज़ारा, बहुत बढ़िया। मतलब इस सब जगह पे आकर जो है जो माहौल मिलता है जो मस्त लगता है वो काफी अच्छा लगता है। और अभी हम लोग जुलूक जाएंगे, जिगजैग रोड जाएंगे और भी बहुत जगह जाएंगे, काफी मजा आने वाला है। हमारा जो गाड़ी आ गया है बट यहाँ पर जो है इसका प्यार हमें खींच लाया और यहाँ पर जो है इसको हम लोग प्यार कर रहे थे, इतना क्यूट है। गुजू खेलने मांग रहे हैं वो। हाँ, गणिक व्यू पॉइंट पहुंचे हैं और यहाँ से जो है जिगजैग रोड काफी अच्छा दिखता है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जिगजैग रोड को काफी अच्छे से इसके बाद जो है वीडियो वगैरह हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना राखी ना। हाँ, क्योंकि अलाउड नहीं है, इसके बाद अलाउड नहीं है। वाह, तो ये रहा जिगजैग रोड और हम लोग ऐसे 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 काफी मजा आया आने में। ये व्यू काफी मस्त है और यहाँ से बादल देख पा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और एक बात, हम लोग यहाँ से जो है बहुत ही क्लोजली हम लोग कंचनजंगा देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लोजली। वो हम लोग ऊपर की तरफ दिखेगा, अभी इधर नहीं, इस साइड नहीं दिख रहा, उधर से कवर हो जा रहा है, उधर बादल से कवर हो जा रहा है इस वजह से। अभी हम लोग जो है थोड़ा फोटो शूट वगैरह करेंगे कर लेते क्योंकि इसके ठीक थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सुना है मतलब वीडियो करना, वीडियो फोटोग्राफी कुछ भी करना अलाउड नहीं है क्योंकि मिलिट्री पॉइंट पड़ जाता है, इस वजह से कैंप पड़ जाएगा, इस वजह से अपने देश का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी जस्ट यहाँ पर जो है क्लियर था, जिगजैग पॉइंट दिख रहा था, हम लोग फोटो जैसे ही उठा रहे थे वैसे ही यहाँ पर जो है फॉगी वेदर हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा फॉगी वेदर। बट लकीली हम लोग को जो देखने को मिल गया जिगजैग रोड पूरा क्लियर देखने को मिला, बस हम लोग का जो है फोटो नहीं हो पाया। बट चलो कोई नहीं, वीडियो में आ तो गया, अच्छा तो लगा। और बाकी यहाँ पर देख पाएंगे पूरा फॉगी हो गया है। अब हम लोग जो है नाथंग वैली आ चुके हैं और यहाँ पर भी लगता है फॉग हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है, आ ही जा रहा है वहाँ पे, वहाँ पर देख पा रहे होंगे वो देखिए फॉग आ रहा है। चलिए आपको पहले वैली दिखा देते हैं, ये रहा वैली और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकदम क्लियर व्यू आपको देखने को मिल रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ना राखिता, एकदम मस्त है। और वहाँ पर जो है सीट है बैठने के लिए, बैठ कर फोटोज वगैरह लेने के लिए। तो फिलहाल मैं और राखिता जो है फोटो ले लेते हैं क्योंकि बेसिकली नीचे जो है हम लोग जिगजैग पॉइंट में फोटो नहीं ले पाए थे, अनफॉर्चुनेटली फॉग आ गया था और यहाँ पर भी लगता है वही हाल होने वाला है। तो यहाँ पर जो है नाथंग वैली में हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया घूमना, फोटो भी काफ़ी अच्छा आया और साथ में जो हमको फॉग भी नहीं मिला। और ये थोड़ा ऊंचाई पे होने की वजह से जो है ना थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन का कमी है, लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो इस वजह से जो है ऊंचाई पे थोड़ा सा हल्का सा जो है मतलब सांस जो है ऊपर नीचे होने लग, बाकी तो सब सही है। बट फिलहाल मेरा ये एक्सपीरियंस गुरुदोमा लेक से काफ़ी बेटर है और इनफैक्ट यहाँ पर फॉग नहीं आया, वो सबसे मस्त चीज है, मतलब फॉग नहीं मिला। हाँ। और हम लोग अच्छा फोटो है, ऐसा नहीं कि फॉग नहीं, बट हम इस तरफ नहीं मिला, उस साइड नहीं आया। हाँ। जो है हम लोग एलिफेंट लेक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है काफी ज्यादा ठंड है। हाँ,
और यहाँ से जो है हम ऊपर चढ़ के जो आपको व्यू पॉइंट दिखा पाएंगे, आपको हल्का फुल्का बर्फ भी देखने को मिल रहा होगा क्या राकिदा? हाँ, और यहाँ पर हल्का फुल्का बर्फ भी है। हाँ, उठाओ उठाओ बर्फ उठाओ। दत्त क्या उठाओ तो सही, एकदम नरम है, फुल नरम है। स्नो फाइट नहीं, गलत है गलत है। हम भी स्नो फाइट करेगा। अब यहाँ पर जो है राकिता के ऊपर स्नो, यहाँ काफी स्नो है। वाओ, फुल टू लो स्नो, लो स्नो स्नो पूरा लूज हो गया। स्नो फाइट चल रहा है यहाँ पर। फुल टू लूज, एतो लूज ऑफ बोझा जाए नहीं। और यहाँ से है एलिफेंट लेक, ये रहा क्या मस्त दिख रहा है। ओ हाँ, वीडियो वीडियो मारो एक दूसरे को। मस्त, इतना सा जगह में स्नो फाइट हो रहा है तुम लोग का सोच लो। ये गलत बात है, हम कैमरा कर रहे हैं तो हमको स्नो मारा जा रहा है। दो कैच कैच सोनाली को पूरा पड़ा। मजा आ रहा है? फिलहाल हम लोग थोड़ा सा मजा करते हैं क्योंकि यहाँ पर बादल आने वाला है और हम लोग को फोटो भी उठाना है। पहले फोटो उठा लेते हैं, देखो स्नो फाइट उतरेगा बादल। हाँ, क्या हुआ? हाथ देखिए जम गया एकदम एकदम। मजा है। यहाँ पर जो है हम लोग काफी नीचे उतरे थे एलिफेंट लेक के, और अब चढ़ने में तो है मतलब क्या बोले, कैसा लग रहा है? मत जाइए, मना कर रही थी बट मजा आया नीचे। तब अभी फिलहाल हम लोग कहाँ जाएंगे? हरभजन सिंह के मंदिर में ना, हरभजन सिंह बाबा ना। अब हम लोग जो है हरभजन बाबा जी के मंदिर में आए हुए हैं यहाँ पर, और देख पाएंगे कितना सुंदर है। ये है, अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और यहाँ पर देख पाएंगे सभी को जो है भोग दिया जा रहा है। तो हम लोग भी जो है आ रहे हैं, टूरिस्ट काफी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और स्पेशली यहाँ का भोग जरूर ट्राई कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग भोग भी ट्राई करने वाले हैं, मंदिर भी जाने वाले हैं, पहले दर्शन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है एक एक करके सब कुछ होगा और आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो पहले यहाँ पर जो है आपको जूता अपना शूज जो है उतार देना है, उसके बाद आप जो है मंदिर में जा सकते हैं। तो यहाँ पर राकिता जो है शूज उतारने के लिए गई है और मैं भी यहाँ पर फटाफट से अपना शूज उतार लेता हूँ। हाँ राकिता, सो हाँ सीढ़ी मस्त है ना, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, पर थोड़ा ऊंचा है। जो जो है उनका बंकर है पता है, जिसको मंदिर अभी कर दिया गया है एक्चुअली में। प्रसाद मिल रहा है और राकिता प्रसाद ले रही है।
है, बहुत अच्छा है, हलवा है ना? हाँ। अच्छा है ना, तो यहाँ पर हलवा दिया गया है प्रसाद में, हलवा किशमिश काजू, और वहाँ पर भी प्रसाद दिया जा रहा है। यहाँ पर राखिता ने जो है लाइन लगा के हम लोग के लिए भोग लाया है, और हम लोग एक ही प्लेट में जो है शेयर हाँ। करने वाले हैं, क्योंकि बेकार का दो प्लेट लेकर क्यों उन लोगों को कष्ट दे, वो लोग इतना कष्ट से बना रहे हैं, क्यों वेस्ट करे, क्योंकि प्लेट एक किसी और को मिल जाएगा भाई, वो तो वेस्टेज ही है ना एक तरह से, हम लोग शेयर कर लेंगे तो एक तरह से हो ही जाएगा, और खाना भी एक में शेयर कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा चख भी लेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग रुक नहीं पाए बोलने के लिए, ये इतना बढ़िया जो खाना हुआ है, मतलब इतना ऊपर इतना टेस्टी है ना, एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक्चुअली यहाँ पर आर्मी के जो नौजवान लोग हैं वो लोग खुद ही बना रहे हैं, मतलब बना रहे स्पेशली, बहुत टेस्टी है, मतलब गरम गरम पूरी, गरम गरम पूरी, सब कुछ गरम गरम मिला, और ये जो वेदर है ठंडा वेदर, इसमें जो है सब कुछ मेहनत करना, मजा ही लगा, और सब कुछ टेस्टी, मतलब एक भी ऐसा नहीं है जो विदाउट टेस्ट है, सब टेस्टी है, मसाला भी एक जैसा, और यहाँ पर नमक भी जो है कोई कम नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ा क्या, और राखी के तब इतना पसंद आया, वो तो खाती जा रही खाती जा रही खाती जा रही। सोनाली का प्लेट खत्म हो गया, और अमित कैसा था? बहुत बढ़िया, अलग एक्सपीरियंस, प्लेट खत्म नहीं हो गया, खाना खत्म हो गया। और एक्चुअली ये वाला व्यू देखते हुए खाने का एक्स्ट्रा ही मजा आ गया क्या, मतलब इतना ऊपर है, इतना सब खाना, इतना सब रॉ मटेरियल ऊपर लाना, खाना सबको देना, ये सब आर्मी के लिए आता है, और स्पेशली संडे होने की वजह से हम लोग को ये सब मिला, मतलब हम लोग एक दिन यहाँ पर रह नहीं पा रहे, ये लोग यहाँ पर रहते। सबसे अच्छा जो है हमें हरभजन बाबा का मंदिर ही लगा, काफी अच्छा लगा, और इनफैक्ट यहाँ पर जो है लंच हम लोग का काफी पेट भर के हुआ, मतलब सच बोलूं तो इतना अच्छा हम लोग हमारे होटल में भी नहीं मिल रहा है जितना हाँ, अच्छा, और पूरा घर जैसा लगा, ये कि इन लोग का मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा। शाम का 6 और हम लोग आ गए थे 3 बजे, और आके फटाफट से जो है थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, क्योंकि हाई एटीट्यूड से लो एटीट्यूड में आने के बाद जो है जो नींद लगता है, मतलब मस्त का हम लोग सोए 3 बजे से लेकर हम लोग जो है 6 बजे तक सोए, और अभी जस्ट उठे हैं, और ब्लॉग भी एंड करना भूल गए थे, तो फिलहाल शाम को यहाँ पर जो है करंट चल जाता है, और साथ साथ हम लोग थोड़ा सा अड्डा मारते हैं फ्रेंड लोग एक साथ बैठ कर, तो उस टाइम ब्लॉग करने का मन नहीं करता है, वो पर्सनल टाइम हो जाता है, इस वजह से जो है आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। होपफुली आपको ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और साथ साथ जो हरभजन बाबा का मंदिर था वो जो है काफ़ी सेटिस्फेक्शन दे रहा था, और स्पेशली जो है हम लोगों ने जो खाना खाया वो इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था, ये क्या बोले। फिलहाल जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको जरूर से पहुंच जाए, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। बाकी मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और बने राहुल जायसवाल ब्लॉग के साथ।